भाषाओं और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का काम भी किया है और उनकी शब्दावलियां, पदों और व्याकरणों के नियमों को अपनाया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से ना कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज सम्मान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा रहा है। देश में राजभाषा में हुए कार्यों की समय समय पर समीक्षा के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था और उसे उत्तरदायित्व दिया गया था कि यह देश में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग, उसकी प्रगति, इसकी समीक्षा करे और रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी को इस रिपोर्ट का 12वां खंड प्रस्तुत किया जा चुका है। 14 तक इस रिपोर्ट के 9 खंड सौंपे गए थे, लेकिन हमने पिछले 4 वर्षों में 3 खंड प्रस्तुत किए हैं। 2019 से सभी 59 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां का गठन करने का काम समाप्त हो चुका है तथा इनकी बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। देश की विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 528 नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों का गठन भी किया जा चुका है। विदेशों में भी लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी राजभाषा का उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है। राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की भी नई परंपरा शुरू की है। 13-14 नवंबर 2021 बनारस में पहला और 14 सितंबर 22 को सूरत में और राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल पुणे में यह तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का भी निर्माण किया है। राजभाषा विभाग ने एक नई पहल करते हुए हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का भी निर्माण किया है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर
निरंतर उसको समृद्ध किया जा रहा है। विभाग ने कुल 90,000 शब्दों का ई महाशब्दकोश, मोबाइल ऐप और करीब 9,000 वाक्य का ई सरल वाक्य कोश भी तैयार किया है। भाषा परिवर्तन का सिद्धांत कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के इन प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोक सम्मत भाषा हिंदी विज्ञान सम्मत और तकनीक सम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।